अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो मेरा नाम है जी सैयद मुरव्वत बुखारी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी 5 मरला डबल स्टोरी हाउस, जिसकी लोकेशन रफ़ी गार्डन है और ये घर जो है ये पार्क फेसिंग घर है। आप मेरे पीछे जो है वो घर देख रहे हैं और आप अभी देख रहे हैं जी पार्क हाउस डिज़ाइन यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अंदर चल के मैं आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ इस घर का और आपको इसकी डिटेल और जो इसकी डिमांड है वो भी बताता हूँ। चलिए जी वीडियो जो है वो शुरू जी। तो ये है जी 5 मरला डबल स्टोरी स्पेनिश हाउस, जिसकी लोकेशन जो है वो रफ़ी गार्डन है। ये आप अभी इसका फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, तो चलिए आपको अंदर से इस घर का जो है वो विजिट करवाते हैं। ये देखें जी, सामने आपको इस घर का जो है वो कार पोर्च का गेट नज़र आ रहा है और टाइल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाहर टाइल लगाई गई है, यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी कर सकते हैं, एक अंदर खड़ी कर सकते हैं बड़ी। इस साइड पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे साथ ही छोटा सा एक लॉन दिया गया है और इस लॉन की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। साथ इसके जो टाइल है वो लगाई गई है और बाहर जो आउटसाइड की बाउंड्री वॉल है उस पर देखें कितनी खूबसूरत लाइट्स और उसके अंदर टाइल लगाई गई है और डिज़ाइनिंग की गई है। इसका जो गेट है, गेट की अगर हम बात करें तो इसका सी थ्रू गेट है, ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत गेट है और गेट के दोनों तरफ पिलर्स पे जो है वो ग्रेनाइट मार्बल जो है वो टाइल उस डिज़ाइन की यूज़ की गई है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। चलिए जी इस घर का अंदर से आपको एक ओवरलुक दे देते हैं और इसकी आपको डिमांड भी बताएंगे। अभी मैं मौजूद हूँ जी इस घर के कार पोर्च में। कार पोर्च में टाइल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, जिस तरह आपने बाहर देखा। ये देखें, ये टाइल का डिज़ाइन है और इसके अलावा ये सीलिंग का डिज़ाइन है जी कार पोर्च का। इसके अलावा राइट साइड पे आपको जो है एक ये पुरानी याद जो है वो मिल जाती है एज ए वॉलग्राफी और राइट साइड पे एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आपका पानी का कनेक्शन है और साथ ही में आपको जो है वो पाउडर रूम मिलता है। चलिए जी पाउडर रूम अंदर से देखते हैं। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत पाउडर रूम है जी। ये एक छोटा सा वॉशरूम डिज़ाइन किया गया है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। कार पोर्च में से ही जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर आप इसका ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गैराज में से ही जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और इसके नीचे अच्छी खासी स्पेस जो है वो अवेलेबल है आपके यूपीएस वगैरह के लिए और इधर साइड पे जो है आप अपनी 2 व्हीलर इजीली पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यह सामने आपको घर की मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है जी। ये डोर जो है ये मेन एंट्रेंस का डोर है और लेफ्ट साइड पे जो डोर है ये आपका ड्राइंग रूम का डोर है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी ड्राइंग रूम से। ये ड्राइंग रूम के फ्लोर का डिज़ाइन है जी, फ्लोर पे जो टाइल लगाई गई है बहुत ही खूबसूरत टाइल लगाई गई है जी फ्लोर पे ड्राइंग रूम में। सामने आपको 2 खूबसूरत जो है वो नीचेस मिल जाती हैं। इसके अलावा ये इसके सीलिंग का डिज़ाइन है, ये देखिए इस साइड पे जी ये एक डोर है। अगर आप इस डोर को बंद कर देते हैं तो आपका ड्राइंग रूम जो है इधर से इसकी एक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलिए जी इस डोर से एंटर होते हैं और जाते हैं इस घर के टीवी लाउंज में। ये जी इस घर का टीवी लाउंज है जी ग्राउंड फ्लोर पे। ये टाइल का डिज़ाइन है और इस साइड पर जो है वो बहुत खूबसूरत एक निच बनाई गई है जिसमें 3D वॉलपेपर का जो है वो यूज़ किया गया है। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे आपको जो है वो मीडिया वॉल मिल जाती है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है वो मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। पार्क फेसिंग ये घर है रफ़ी गार्डन में और ये इसकी सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीलिंग का डिज़ाइन है। इसके अलावा ये जी इसकी मेन एंट्रेंस थी, हम जो है वो ड्राइंग रूम से एंटर हुए थे तो ये इसकी मेन एंट्रेंस के डोर का डिज़ाइन है। ये डोर जो है ये सॉलिड वुड का डोर है, ये देखें ये सॉलिड वुड का डोर है जी। मेन एंट्रेंस पे जो डोर है ये इसकी डिज़ाइनिंग है, ये देखें।
तो टीवी लॉन्च से आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते ही राइट साइड पे आपको एक मास्टर बेडरूम जो है वो मिल जाता है। ये डोर जो है ये मास्टर बेडरूम का डोर है। ये इसके फ्लोर का डिज़ाइन है जी, ये देखें। और कमरे जो हैं वो खुले खुले हैं, इतने तंग कमरे नहीं हैं। 2750 इसका साइज़ है। इस साइड पे बहुत खूबसूरत वॉलपेपर आपको मिल जाता है जी 3D। उसके साथ ये सीलिंग का डिज़ाइन है जी। और राइट साइड पे जो है वो आपको इसकी कबर्ड मिल जाती है, वार्डरोब। और देखें इसका साइज़ जो है कितना बड़ा है और कितनी खूबसूरत वार्डरोब जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा इस साइड पे अटैच वॉशरूम मिल जाता है आपको इस घर का। ये देखें जी, ये जो टाइल वॉशरूम पे यूज़ की गई है ग्रे कलर की टाइल है, और ऊपर जो टाइल यूज़ की गई है वो तमाम कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ग्रे भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है। ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर पे पहला मास्टर बेडरूम हम विजिट कर रहे हैं, उसका अटैच वॉशरूम है। ये सीलिंग का डिज़ाइन। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे आके इस बेडरूम के बिल्कुल सामने आपको दूसरा बेडरूम मिल जाता है जी। ये देखें जी फ्लोर का डिज़ाइन, प्लस सामने आपको अगेन एक निच मिलती है जिसमें 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। ये देखें जी, ऐसा फील होता है जैसे कि ये कोई जंगला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 3D वॉलपेपर है। बहुत ही खूबसूरत घर बनाया गया है ये। और इसके विंडो का आप देखें डिज़ाइन कैसा है, खूबसूरत स्पेनिश डिज़ाइन की विंडोज़ हैं। और ये इसके सीलिंग का डिज़ाइन है। ग्राउंड फ्लोर पे दूसरा बेडरूम अभी हम विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा इस साइड पे देखें, इसका अटैच वॉशरूम मिलेगा आपको, साथ ही आपको राइट साइड पे जो है वो वार्डरोब मिल जाती है जी। बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की अलमारी, और इतनी बड़ी है कि आपको फील होगा कि जैसे 7 मरले का घर आप विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अटैच वॉशरूम की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम बनाया गया है। इसका टाइल कॉम्बिनेशन देखें, ये देखें ब्यूटीफुल जी। कलर कॉम्बिनेशन की गेम होती है घर में, मॉडर्न डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना हो या स्पेनिश को बनाना हो। तो ये इसका इस साइड पे बेसन वगैरह लगाया गया है। A+ क्वालिटी का मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है इसमें। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको विज़िट भी करवा सकते हैं ये घर। इसके अलावा दूसरे बेडरूम से जब बाहर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको डोर मिलता है जी किचन का। ये डोर का डिज़ाइन है जी। इसके अलावा ये टाइल जो है नीचे किचन में फ्लोर पे जो टाइल लगाई गई है वो ये है। ये जो केबन्स बनाए गए हैं, ऑटोमेटिक जो चूल्हा है वो भी इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। इसके अलावा ये सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किचन का सीलिंग का डिज़ाइन। और किचन में से आगे एक डोर आपको और मिलता है जो कि आपका लॉन्ड्री एरिया का डोर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉन्ड्री एरिया। ये देखें, ये इस घर का लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पे आपका गीज़र वगैरह का कनेक्शन है, मोटर लगी हुई है पानी की। ये लॉन्ड्री एरिया है जी। ये देखें, तो चलिए जी अब आपको लेके चलते हैं ऊपर। ऊपर चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर अभी हमने विजिट कर लिया और फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। ये देखें, सीढ़ियों पे मार्बल ग्रेनाइट जो है वो लगाया गया है, और सेंटर में जो आप देख सकते हैं जगह है वहाँ पे टाइल लगाई गई है, पेंट नहीं किया गया। तो इस घर की डिमांड की अगर बात करें तो 1,50,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये जी ऊपर जाते हुए साइड पे आपको एक निच मिलती है जी, जहाँ पे वॉलग्राफी की गई है बहुत ही खूबसूरत। ऊपर आते ही राइट साइड पे आप जो है वो विंडो देख रहे हैं, इस विंडो से आप एंटर हो सकते हैं जी। ये देखें जी, ये इस घर का टेरेस है। ये देखिए,
और सामने आपको जो है वो पार्क मिलता है, पार्क फेसिंग हाउस है ये। पार्क फेसिंग या कॉर्नर का जो भी घर होता है उसका 10% आपको पता है कि मार्केट से ज्यादा होता है। ये अपस्टेयर लॉबी की सीलिंग है। इसके अलावा ये एंट्रेंस है जी, फर्स्ट फ्लोर पे मेन एंट्रेंस जो है वहां से हम एंटर हो रहे हैं। ये फ्लोर का डिजाइन देखें, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो टीवी लाउंज है उसका डिजाइन है। इस साइड पे बहुत खूबसूरत निच आपको मिलती है। इसके अलावा ये सीलिंग का डिजाइन है जी, बिल्कुल स्ट्रेट सामने आपको जो है वो मीडिया वॉल मिलती है। एक बेडरूम आपको राइट साइड से मिल जाता है एंटर होते ही। ये फ्लोर का डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लोर का डिजाइन है। ये सीलिंग का डिजाइन देखें जी, आउटस्टैंडिंग सीलिंग का डिजाइन है। इसके अलावा जी आगे आके आपको इसका अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये इसके फ्लोर का डिजाइन है। ये टाइल जो लगाई गई है वॉशरूम में वो, और A+ जो है वो एक्सेसरीज में यूज की गई है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बेडरूम नंबर 1 विजिट किया फर्स्ट फ्लोर पे। उसके अलावा इस बेडरूम से बाहर आते ही आपको जो है राइट साइड पे एक डोर मिलता है जो कि इस घर का स्टोर रूम है। स्टोर रूम में भी देखें कितनी खूबसूरत टाइल जो है यूज की गई है। इसको आप स्टोर रूम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और किड्स रूम के यूज तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये, और ये इसके सीलिंग का डिजाइन है। चलिए जी आगे चलते हैं जी। ये सामने आपको टीवी लाउंज से आगे थोड़ा सा आते ही आपको एक और मास्टर बेडरूम मिल जाता है। इसकी टाइल का डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और ये सीलिंग का डिजाइन है। इसके अलावा इस साइड पे जो है वो निच बनाई गई है, ये देखें। काफी बड़ा साइज है जी रूम का। उसके अलावा आगे आते हैं जी, सामने आपको जो है वो वार्डरोब मिलती है इस रूम में, दूसरे रूम को भी हम विजिट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे जो है आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है जी, अटैच वॉशरूम, ये देखें। और टाइल देखें कितनी खूबसूरत लगाई गई है। लोकेशन इस घर की बहुत खूबसूरत लोकेशन पे ये घर वाकई है जी, साहिवाल में। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे आते ही राइट साइड पे जो है, दूसरे बेडरूम से बाहर आते ही राइट साइड पे आपको ये किचन मिल जाता है जी। फर्स्ट फ्लोर पे जो किचन अवेलेबल है ये देखें, ये किचन की केबन्स का डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है जी केबन्स का, और जो ऑटोमेटिक चूल्हे जो इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा ये देखें केबन्स जो है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है केबन्स का। उसके अलावा ये सीलिंग का डिजाइन जो है ये भी आप देख सकते हैं। तो किचन से बाहर आते ही आगे आपको एक और डोर मिलता है जी, ये डोर खुलता है जी आपके लॉन्ड्री एरिया की तरफ। जो फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्ड्री एरिया है उसकी तरफ ये खुलता है, ये देखें। ये लॉन्ड्री एरिया है जी, और काफी बड़ा जो है वो लॉन्ड्री एरिया है ये। इसके नीचे भी सीढ़ियों की स्पेस जो है वो मौजूद है। इसके अलावा पैशियो के ऊपर ये जंगला लगाया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। तो चलिए जी इस घर की छत जो है वो भी देख लेते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इस घर की डिमांड 1,50,00,000 रुपये है। स्पेनिश डिज़ाइन हाउस है, पार्क फेसिंग है,
वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी, ये इस घर की छत है और ये टंकी जो है ये है इसमें बनाई गई। ये देखें जी, ये सामने जी पार्क है और ये ऊपर से इसका व्यू जो है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये रफी गार्डन का व्यू है पूरा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।